नमस्कार, मैं हूं निवेदिता शुक्ला। राफेल रक्षा सौदे को लेकर कांग्रेस और केंद्र सरकार के बीच घमासान जारी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद कांग्रेस लगातार इस डील पर सवाल उठा रही है, जिसके बाद सरकार भी आक्रामक मोड में आ गई है। सोमवार को एक निजी चैनल से बात करते हुए रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने कांग्रेस के तमाम आरोपों के करारे जवाब दिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के अध्यक्ष को अपने फैक्ट सही करने के लिए एक ट्यूटर की जरूरत है। वो बिना किसी बेस का आरोप लगाते जा रहे हैं। उन्होंने राहुल को राफेल पर ट्यूशन देने का भी ऑफर दिया। सीतारमण ने सवाल उठाया कि जो कांग्रेस आज राफेल पर हंगामा कर रही है, वो 10 साल तक ये सौदा क्यों नहीं कर पाई। जो कांग्रेस आज HAL को लेकर सवाल उठा रही है, वो इस बात का जवाब दे कि UPA के कार्यकाल में HAL को सालाना 10,000 करोड़ का ऑर्डर दिया जाता था, जबकि NDA ने 20,000 करोड़ का ठेका दिया है। सीतारमण ने आरोप लगाया कि सरकार विपक्ष के हर सवाल का जवाब देने को तैयार है, लेकिन विपक्ष उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। जब भी केंद्र सरकार की ओर से संबंधित मंत्री जवाब देता है, तो विपक्ष PM को बुलाने के लिए हंगामा करने लगता है। यानी विपक्ष का मतलब सिर्फ हंगामा करना है। The price that we have obtained for the basic aircraft is at least 9% lesser. That is therefore our agreement has given a better deal. Point number one. Point two, why is ours better? There is an overall improvement of 5 months in complete deliveries of the 36 Rafale aircrafts as compared to the MMRC. So delivery time has been condensed and reduced by 5 months. Therefore, that's the second point on which I would say ours is a better deal than this. Second, third, I want to say that the initial performance-based logistics support was for 5 years for one squadron. Initial performance-based logistics support was for 5 years for one squadron. In the 36 Rafale case, the performance-based logistics support is for 5 years for two squadrons, and therefore ours is better. Now, next point. And this increase and betterment in the performance-based logistics support is without any additional cost. This additional performance-based logistics support, which we've obtained for two squadrons in the place of one which they had, is without any additional cost. And therefore, please remember that does not inflate the cost. और जो ढाई घंटे का भाषण डिफेंस मिनिस्टर, उनको डिफेंस मिनिस्टर नहीं कहना चाहिए, उनको डिफेंस मिनिस्ट्री के स्पोक्समैन कहना चाहिए, नरेंद्र मोदी जी के स्पोक्समैन कहना चाहिए। जो उन्होंने ढाई घंटा का भाषण दिया, उसमें उन्होंने दो तीन चीजें नहीं कही। सबसे पहले उन्होंने मेरा यस नो का जवाब नहीं दिया। नंबर दो, उन्होंने यह नहीं बताया कि 30,000 करोड़ रुपए अनिल अंबानी को किस बेसिस पे दिए गए, और इन सवालों का जवाब अभी तक नहीं मिला है। और आपने देखा भाइयों और बहनों कि देश के जो चौकीदार हैं वो लोकसभा में नहीं आ सकते हैं, लोकसभा में आने से डरते हैं, राफेल के सामने खड़े नहीं हो सकते हैं। आपको बता दें कि सदन में पिछले एक हफ्ते से लगातार राफेल पर हंगामा हो रहा है। सदन से लेकर सोशल मीडिया तक राहुल गांधी लगातार इस मुद्दे पर PM मोदी को घेर रहे हैं।